Hello everyone, welcome to Education Freak. As I have already covered 9 videos regarding banking awareness of general awareness section for IBPS PO mains and interview. जैसे कि आज IBPS RRB mains हुआ है उसमें भी basic banking awareness से काफ़ी questions पूछे गए हैं. So मुझे लगता है कि आपको अगर आप ये वीडियोस देख लोगे तो ए भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए. इसके बाद जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस जैसे कि आरआरबी में पूछे गए वो भी मैं वीडियोस लाऊंगी उनकी भी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंप्लीट द बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन सो दैट यू कैन डू एवरी क्वेश्चन. मुझे नहीं लगता कि इससे अलावा कोई क्वेश्चन आएगा आई बैंकिंग अवेयरनेस में. बेसिकली बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि मैं आपको बेसिक ही करा रही हूँ अभी, और थोड़ा एडवांस लेवल भी आएगा अभी, ताकि क्योंकि IBPS PO मेंस है, RRB का थोड़ा लेवल PO से थोड़ा कम ही, IBPS PO मेंस से थोड़ा कम ही रहता है IBPS RRB का. तो थोड़ा सा यहाँ तक 10th तक आपके सारे बेसिक्स कवर हो चुके हैं इस वीडियो तक. सो आगे आपका थोड़ा एडवांस लेवल होगा, बट आपकी बैंकिंग अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इन वीडियोस के अलावा कहीं से आएगा. सो यू कैन फॉलो दीज वीडियोस फॉर दैट. सो द टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे आर कैश क्रेडिट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, EMI, लेसर एंड लेसी, बेलर एंड बेली एंड कोलैटरल सिक्योरिटी. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक आई एम टेकिंग इज कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट. बेसिक पहले मैं इनका डिफरेंस बता देती हूँ आपको, ताकि आपको फिर बाद में इनका जो सिमिलैरिटीज़ है वो भी एक बार नज़र में आए. मैं सारा एक सिंपल एंड बेसिक वे से आपको इसका पूरा व्यू दे देती हूँ कि क्या है. बेसिकली जो हमारी लोन अमाउंट होती है, लास्ट वीडियो में मैंने लोन करा दिया है सारा कवर. तो जो लोन अमाउंट जो है एक बार में ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी. लोन अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू योर अकाउंट एट वंस ओनली एंड यू स्टार्ट पेइंग बैक एवरी मंथ. आपको हर मंथ उसको वापस पे करना है, मींस एज ए इंटरेस्ट, ठीक है. बट किस केस में नहीं करना ये भी मैंने बताया था, जैसे कि एग्रीकल्चरल लोन्स में आपको वापस पे नहीं करना है उसको. लोन्स जो है वो एक बार सेंक्शन होते हैं बैंक के द्वारा, एक ही बार दिए जाते हैं. लोन्स आर सेंक्शन एंड गिवन बाय बैंक्स एट वंस, एक ही बार में दिए जाएंगे. ये नहीं कि 10 लाख आज दे दिए, 5 लाख बाद में दे दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा. सारा ही अमाउंट एक बार में ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी. नेक्स्ट इज ये क्या है, जो एग्रीकल्चरल लोन्स है वो सर्विस नहीं किए जाते एवरी मंथ, बट जो बेसिक जो एग्जाम्पशंस हैं उनको छोड़ के सारे जो लोन्स हैं वो एक ही बार में आपके सेंक्शन हो जाते हैं और बैंक्स के थ्रू आपको दिए जाते हैं. बट जो कैश क्रेडिट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट वो डिफरेंट कैटेगरी है. ये लोन का ही टाइप कि इसमें भी अमाउंट ही मिलती है हमें, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे. इसमें डिफरेंस क्या है, बैंक्स विल गिव द फिक्स लिमिट, एक लिमिट दे देगा बैंक, एंड उस लिमिट को ध्यान रखते हुए जब भी आप चाहते हैं एक लोन ले सकते हैं, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक हैज़ गिवन द लिमिट ऑफ ₹10 लाख, बैंक ने लिमिट दे दी कि आपको 10 लाख. तो हेयर अकाउंट मे बी ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट. ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, कैश क्रेडिट भी हो सकता है. पूरा मैं आपको इलस्ट्रेशन दूंगी इसकी कि क्या क्या है. ये इलस्ट्रेशन एप्लीकेबल है दोनों केसेस के लिए जो भी मैं बताने जा रही हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल SBI ने अलाउ किया कंपनी एक्स को ओवरड्राफ्ट दिया ₹10 लाख का, या फिर कह सकते हैं कैश क्रेडिट दिया 10 लाख का. अगर फॉर्म जो है एक्स वॉन्ट टू टेक 10 लाख, दे कैन टेक ₹10 लाख, बट इफ दे डू नॉट वॉन्ट टू टेक एनी मनी दे कैन स्टिल डू नॉट टेक एनी मनी. ये उनकी चॉइस होगी. लिमिट दे दी गई है बैंक के थ्रू, उन्होंने अप्लाई किया बैंक के थ्रू, लिमिट दे दी गई है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में. बट अभी कंपनी एक्स पे डिपेंड करता है कि वो कब वो अमाउंट लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती. जब लेना चाहेगी तब ले सकती है, ठीक है. ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पे, उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं, सब्जेक्ट टू द लिमिट. लिमिट को देखते हुए, ये नहीं कि 10 लाख की लिमिट है और आप 20 लाख मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा. बोरोवर विल एक्सेस बैंक फंड्स एंड अकॉर्डिंगली ही विल पे इंटरेस्ट ऑल्सो. वो फंड्स को लेगा और फिर वो इंटरेस्ट भी पे करेगा उसके ऊपर. इसमें क्या है, रिवॉल्विंग क्रेडिट वाला सिस्टम चलेगा. जैसे कि मैंने क्रेडिट कार्ड एडवांसेस में बताया था कि उसने कुछ अमाउंट लिया, टेक सम अमाउंट पे बैक, टेक सम अमाउंट पे बैक, ये चेन चलती रहेगी.
क्रेडिट कार्ड में भी हम यही करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट लिया, कुछ पे कर लिया, हमने कुछ सामान खरीद लिया, उसके बाद हम उसको पे करते हैं, फिर दोबारा लेते हैं, फिर वापस पे करते हैं। ये एक चेन है, रिवॉल्विंग क्रेडिट है, ये क्रेडिट रिवॉल्व कर रहा है इसमें, ठीक है। और रिवॉल्विंग क्रेडिट के अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए तो यही हो गया, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस, ठीक है। ये दीज आर टर्म्ड एज रिवॉल्विंग क्रेडिट। नेक्स्ट आई एम टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन देम, बेसिक डिफरेंस क्या होगा। अब ये तो थोड़ी सिमिलैरिटीज होगी कि इसमें ऐसे अमाउंट लिया, ऐसे पे कर सकते हैं, दोनों ही रिवॉल्विंग क्रेडिट है, बट इनके बीच का डिफरेंस भी तो होगा। जो कैश क्रेडिट अकाउंट है उसमें जो हम सिक्योरिटी लेते हैं, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी, आपको पता है कि कुछ गिरवी रख के एकदम सामान मिलता है, कोलेटरल सिक्योरिटी का मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोलेटरल सिक्योरिटी को डिस्कस करूंगी, तो अभी आपका कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक भी आएगा। बट आप ये तो आपको पता ही है कि कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते किसे, किसी चीज़ को गिरवी रख के कुछ सामान लेना, ये हम लेमैन लैंग्वेज में बता सकती हूँ मैं आपको। अगर एग्जाम्पल लीजिए, इफ समबडी हैज़ ब्रॉट रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर कैंडल्स, किसने रॉ मटेरियल लाया, दे कैन मैन्युफैक्चर कैंडल्स और इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैंडल्स बाय टेकिंग द रॉ मटेरियल एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बैंक विल अलाउ यू कैश क्रेडिट अप टू द लिमिट। उस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का सामान है उसको हमने एज ए बेसिस ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी दे दिया बैंक को, एंड बैंक जो अलाउ करेगा हमें कैश क्रेडिट उस लिमिट तक जितनी उसकी अमाउंट होगी। ये हमारा क्या हो गया, जो मैंने अभी कैश क्रेडिट के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। कैश क्रेडिट में क्या आ जाता है, सिक्योरिटी जो होती है वो गुड्स होंगे या फिर आपकी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दो अभी ये क्या है, कैश क्रेडिट जो अकाउंट जो है ये आपको एक तरह से रॉ मटेरियल पे, या फिर अभी आप ये क्या चीज़ है, ये आप बैंक को दे के नहीं आ रहे, बट आपने ये दे दिया कि रॉ मटेरियल के ऊपर हमने ले लिया लोन, एक तरह से लोन टाइप। तो कैश क्रेडिट अकाउंट जो है वो बेसिकली एक प्लेज है, भी हम एक तरह से कसम खा रहे हैं कि ऐसा होगा, इतना हम ये रख रहे हैं कि हम ये वापस ले जाएंगे आपसे और आपका पैसा वापस दे देंगे एक तरह से। एंड हाइपोथिकेशन बोल सकते हैं गुड्स और प्रोड्यूस का। हाइपोथिकेशन का मीनिंग हाइपोथेटिकल से आया है, ये क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मैं अपना मैन्युफैक्चर का सामान भी, मैं अभी आपको सामान गिरवी रख, मतलब गिरवी सामान उसी के पास रहेगा कि मैं इस सामान को आप कोलेटरल सिक्योरिटी मान लीजिए और मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मैं जो भी मेरे को पैसा आएगा वो मैं आपको दे दूंगा, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्या पता उसका बिजनेस ही ना चले। ये चीज़ है कि हम इसमें रिस्क रहेगा कि क्या पता उसका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो बैंक को नहीं पता ना। तो कैश क्रेडिट अकाउंट के दो तरह के होते हैं, ये टू टाइप्स हैं, की कैश क्रेडिट अकाउंट एंड ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। की कैश क्रेडिट अकाउंट में क्या होता है, पोजीशन ऑफ गुड्स विद द बैंक्स, इसमें हम कोई भी हमने जो सामान दिया है वो बैंक को दे दिया जाके, ठीक है, इसमें जो भी आपका सामान था वो आपने बैंक को दे दिया। बट ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट में क्या होगा, गुड्स या फिर कॉमोडिटीज वो बोरोवर के पास ही रहेंगे, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो रॉ मटेरियल था वो उसके पास ही था, बट वो फिर भी उसको जो उसने कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह उसको बैंक को दिया उसने, ठीक है, बट वो है किसके पास, बोरोवर के पास, वो क्या होगी, ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। बट की कैश क्या है, जो वो गुड्स है वो बैंक को दे आएगा अपना, ये आपको बताएगी कौन कौन से हम बैंक को कोलेटरल एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दे सकते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी क्या हो सकती है, कुछ भी आपके शेयर सर्टिफिकेट्स हो गए, शेयर सर्टिफिकेट्स भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज ये वगैरह जो भी ये जो से थे ना वो इसी के अंडर आते हैं। शेयर सर्टिफिकेट्स दे दिए, कुछ बिल्डिंग दे दी, कोई बिल्डिंग की लैंड साइट दे दी, तो ये हो गए ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स। ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो है ऑपरेट किए जाते हैं विदाउट सिक्योरिटी, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ये सिक्योरिटी ऊपर वालों की तो हो गई कि ये वाली सिक्योरिटी हम रख सकते हैं, बट अगर हम सिक्योरिटी ना देना चाहें तो वो भी ले सकते हैं हम ओवर ड्राफ्ट अकाउंट में। तो अगर हम सिक्योरिटी नहीं देते तो उसे हम बोलते हैं क्लीन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्लीन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जब हम विदाउट सिक्योरिटी ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन करवाते हैं। ओवरड्राफ्ट अकाउंट की कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड साइट हो सकती है, बट इफ यू आर टेकिंग द ओवरड्राफ्ट अकाउंट विदाउट सिक्योरिटी वी कैन से इट एज क्लीन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। Hope you are clear with it. Next I am taking is fixed interest rate and floating interest rate. Fixed interest rate मैं पहले लूँगी, जैसे कि example ले सकते हैं, you are taking home loan for 20 years time period. Assume you are taking home loan for 20 years time period and during this period you have two options. इस period के दौरान आपके पास दो options होंगे, either to go for fixed interest rate or floating interest rate. फिक्स इंटरेस्ट रेट जो होगा, इंटरेस्ट रेट विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग लोन,
जब आपको लोन दिया जा रहा है तभी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड हो जाएगा एंड इट विल बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लोन पीरियड इन एडवांस. वो एडवांस में ही मीन्स पहले से ही फिक्स हो जाएगा कि आपको इस पीरियड में कितना पैसा देना है. कोई वेरिएशन नहीं होगी इसमें. नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स रेट का वो हायर होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से बिगनिंग में, ठीक है. सो व्हेन यू ऑप्ट फॉर फिक्स इंटरेस्ट रेट, नॉर्मली जो बैंक है वो फिक्स करते हैं इंटरेस्ट रेट एट द रेट स्लाइटली, थोड़ा सा जो बेस रेट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बेस रेट से थोड़ा सा ज़्यादा वो फिक्स इंटरेस्ट रेट रखते हैं. क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है बाकी टाइम पे जो अगर फ्लोटिंग लेके चलेंगे जब हम, कि चेंज हो सकता है फ्लोटिंग का. मैं पहले पहले बता देती हूँ आपको कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है. इट इज़ सब्जेक्ट टू द चेंज इन बेस रेट. ये डिपेंड करता है बेस रेट पे. अगर बेस रेट इंक्रीज हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होगा, बेस रेट डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा. तो फिक्स रेट को थोड़ा सा ज़्यादा क्यों रखते हैं बेस रेट से, क्योंकि फ्लोटिंग वाले में क्या है कभी ज़्यादा होगा, क्या पता बहुत ज़्यादा हो जाए, क्या पता बिल्कुल कम हो जाए. तो उसमें थोड़ा एवरेज लेने के लिए ये फिक्स इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा स्लाइटली हायर देन द बेस रेट रखते हैं ताकि किसी को कुछ लॉस ना हो, मीन्स बैंक को लॉस ना हो मेनली, तो और किसी को क्या लॉस होगा. नेक्स्ट आई एम टेकिंग इज टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद लोन्स. कौन कौन सी वर्ड्स एक तरह से यूज करिए, कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं लोन के टर्म्स में, मीन्स लोन के लिए हम क्या क्या यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इसमें अभी तीनों टर्म्स में यूज एक्सप्लेन करूंगी. जैसे कि SBI की जो फर्म थी एक्स, उसने होम लोन लिया SBI से. एक फर्म है एक्स जिसने होम लोन लिया SBI से, कस्टमर को उसको नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स पे करना पड़ेगा बैक, पे बैक मीन्स इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो, या फिर जो भी हमारी EMI एक तरह से फिक्स होती है वो पे करनी पड़ेगी एवरी मंथ. कस्टमर आफ्टर टेकिंग द लोन EMI विल बी फिक्स्ड. कस्टमर के लोन लेने के बाद EMI फिक्स हो जाएगी, ठीक है. EMI क्या होती है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मीन्स जो हमें अभी ये सबको बताएगी EMI क्या होती है. इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आप सभी को पता है कि EMI होती क्या है. आपने बहुत कई चीज़ों में हम EMI का यूज़ करते हैं, मतलब कि कुछ ले लेते हैं बाद में हम EMI पे कर लेते हैं. अब आजकल तो फ़ोन भी ऐसे मिल जाते हैं हमें, तो EMI सबको पता है तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. EMI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए बस, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है ये, पेड बैक एवरी मंथ, ठीक है. ये एमोर्टाइजेशन क्या होता है फिर इसमें? एमोर्टाइजेशन क्या होता है? हम जो EMI है एक तरह से उसको क्या कहते हैं, पेमेंट्स हुई वो एक तरह से, वो क्या होगा, स्प्रेड करना उन पेमेंट्स को टोटल ड्यूरेशन में. मींस जितने भी अमाउंट है उसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे कि इस ड्यूरेशन, मतलब फिक्स इंटरेस्ट रेट के केस में बता रही हूँ. फ्लोटिंग वाले में तो चेंज होता रहेगा क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसके इंटरेस्ट रेट जो भी जुड़ के आएगा, जो भी चेंजिंग है वो आएगा. बट जो बेसिक अगर हम एग्जाम्पल लेके चले तो जितना भी समय उसको हम डिवाइड कर देंगे और एवरी मंथ जो है वो पे किया जाएगा. तो स्प्रेडिंग द पेमेंट्स ओवर टोटल ड्यूरेशन, इस प्रोसेस को ही हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल लोन पीरियड है 120 मंथ्स. यू मे बी पेइंग EMI, फिक्स्ड EMI पे कर रहे हैं, बट EMI कॉम्पोनेंट विल वेरी इन प्रिंसिपल इंटरेस्ट. जो EMI का कॉम्पोनेंट है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में वेरी करेगा, ये हमें पता ही है कि कितना कितना चेंज होता रहता है वो. तो जो प्रोसेस है पेइंग बैक लोन एवरी मंथ, जिसे हम बोलते हैं कि सर्विसिंग ऑफ लोन. मान लो कि अगर कुछ हो जाता है, आपने हाउस लोन लिया है बट अर्थक्वेक आ गया और आप उस हालत में नहीं है कि आप पे करें, अंडर सच सर्कमस्टांसिस बैंक विल गिव यू सम हॉलीडे, कुछ हॉलीडे दे देगा अभी थोड़े दिन, मतलब एक दो महीना आप ना पे करें. उसको बोलते हैं मोरेटोरियम. उस पीरियड को, हॉलीडे टाइप को हम बोलते हैं मोरेटोरियम, ठीक है. समझ आ गया होगा ये आपको. नेक्स्ट आई एम टेकिंग इज EMI. EMI मैंने बता दिया फिक्स्ड अमाउंट है, पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर ऑन द स्पेसिफाइड डेट एवरी मंथ. इसकी डेफिनेशन मैं बता रही हूँ आपको. फिक्स्ड अमाउंट पेड बाय द बोरोवर, जो आप बोरोवर हैं, टू द लेंडर दैट इज बैंक, ऑन द स्पेसिफाइड डेट एवरी मंथ. बैंक भी हो सकता है कोई, अगर हमने किसी कार कंपनी से कार ले लिए लोन पे तो उसमें भी हम EMI देते हैं, वो ऐसी चीज़ है, कोई भी हो सकता है. इन द केस ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अगर हम लेते हैं, नो वन कैन एंटिसिपेट द इंटरेस्ट रेट, कोई बता नहीं सकता. दैट्स वाई इंटरेस्ट रेट मे इंक्रीज मे डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द बेस रेट. वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बेस रेट पे डिपेंड करेगा. हेयर ऑल्सो EMI विल बी कॉन्स्टेंट. EMI कॉन्स्टेंट ही रहेगी बट जो पीरियड है वो वेरी कर सकता है
या तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, वो पैसा तो पूरा वसूल करेगा कि अगर मतलब जब तक उसका पैसा वसूल नहीं होगा तब तक वो उसको चेंज करता रहेगा, पीरियड वेरी करेगा सिर्फ कि कितने, अगर मान लो 12 पहले उसने 12 महीने के लिए किया था, फिक्स इंटरेस्ट रेट था तो 12 महीने में उसका पूरा पैसा आ गया, बट अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है उसका पैसा पूरा बना ही नहीं 12 महीने में, तो वो थोड़ा आगे जाके उसको एक्सटेंड करके पीरियड को तब भी वो ईएमआई ले लेगा अपनी। नेक्स्ट क्या है, जो शेड्यूल है इंडिकेट करता है कि कंपोनेंट्स मतलब क्या क्या होंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, वो होती है एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, एक शेड्यूल होता है इसका, स्प्रेड कर दिया उसको, उसको जो वो बता रहा है वो टेबल होगी एक तरह से कि हाँ इसमें इसने इतना मनी देना है, इसने इतना मनी करना है, तो वो एमोर्टाइजेशन स्कीम हो गई। ठीक है, होप यू आर क्लियर विद ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ लोन्स, टर्मिनोलॉजीज बेसिकली ऑफ द लोन्स। नेक्स्ट आई एम टेकिंग इज लेसर एंड लेसी, ये किसी को मोस्टली जो नॉर्मल जिसने अभी बैंकिंग अवेयरनेस नहीं किया है वो इसको नहीं पता होगा, और जैसे कि अब हमें पता है कि पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है मेंस का और टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट ये टफ नहीं, ये इनका रिलेशन टफ नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन टफ नहीं होगा, बट आपने कभी सुना नहीं होगा तो आप ये अटेम्प्ट कैसे करेंगे। सब कुछ ईजी है बैंकिंग अवेयरनेस में, बस आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो लेसर एंड लेसी का जो रिलेशनशिप है बेसिकली है ऐसा कि जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट का होता है। ठीक है, लेसर जो है लैंडलॉर्ड की तरह होता है, लेसी टेनेंट की तरह होता है, इन दोनों का रिलेशनशिप है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की तरह। इफ समवन इज होल्डिंग 100 एकर्स ऑफ लैंड, सपोज यू आर हैविंग 100 एकर्स ऑफ लैंड, समवन इज वर्किंग एज अ टेनेंट, उस पर कोई काम कर रहा है, रिलेशन क्या होगा लेसर और लेसी का, मीन्स लैंडलॉर्ड और टेनेंट का। टेनेंट क्या करेगा, विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लैंडलॉर्ड एंड फॉर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी ही विल पे समथिंग टू द लैंडलॉर्ड, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा, फिर उस प्रॉपर्टी का जो उसको यूज़ करने का वो थोड़ा सा कुछ पे करेगा लैंडलॉर्ड को। इन रिटर्न द लेसी, मीन्स इसका मतलब क्या है जो मैं बोली हूँ, इन रिटर्न द लेसी मीन्स द टेनेंट विल पे सम अमाउंट टू द लेसर, मीन्स विल पे सम अमाउंट टू द लैंडलॉर्ड। लेसर और लैंडलॉर्ड जो कि है वो राइटफुल ओनर है प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी का, एंड बाय मेकिंग पेमेंट, पेमेंट पे करने के बाद जो लेसी है विल गेट द राइट टू यूज इट, उसको राइट मिल रहा है उसको यूज कर सकता है। एंड द लीज एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट मिला उसको, लीज पे तो दिया है उसने, ये आपको पता ही होगा कि हम अपने जो अगर फार्म लैंड भी हम किसी को देते हैं वो वाली चीज़ हो गई इसमें। एंड द लीज एग्रीमेंट इज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, एक पीरियड के लिए ही होगा वो। लीज एग्रीमेंट जो है वो गारंटी करता है द यूज ऑफ प्रॉपर्टी बाय द लेसी, एंड इन रिटर्न लेसर विल गेट सम अमाउंट फ्रॉम द लेसी फॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी। होप यू आर क्लियर विद इट। एंड इफ सम फ्रेंचाइजी इज यूजिंग द ब्रांड नेम ऑफ कंपनी, अगर ऐसा है देन द रिलेशन इज ऑल्सो लेसर एंड लेसी, तब भी ऐसा ही होता है। ये अगर आप अभी आप इसका सोचे तो ये वाला वो केस बन सकता है, ब्राउन लेबल एटीएम्स में क्या होता है, सिर्फ हम बैंक का ब्रांड नेम यूज़ करते हैं। ये एग्जांपल अभी मैंने ब्राउन लेबल एटीएम्स में सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो में करा चुकी हूँ आपको, वहाँ से ये सारी वीडियोस इंटरलिंक्ड हैं, तो आप सब एक कॉन्टिन्यूटी में देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। नेक्स्ट इज बेलर एंड बेली, बेलर एंड बेली का थोड़ा सा डिफरेंट है ये उससे। इसमें क्या है, पोजीशन जो है प्रॉपर्टी का इज गिवन बट नॉट द ओनरशिप, वो उस पर कुछ कर नहीं सकता। उसमें क्या था, उसने लैंड दे दी, वो यूज़ कर रहा है, उसके बाद वो उसको कुछ पे कर रहा है, बट इसमें क्या है, प्रॉपर्टी दे तो रहे हैं बट उसको वो उस पर कुछ कर नहीं सकता। जैसे कि सेफ डिपॉजिट लॉकर में फॉर कीपिंग आर यूटिलिटीज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स विद द बैंक, हम कुछ रख रहे हैं बैंक में, वी आर हायरिंग अ सेफ डिपॉजिट लॉकर विद द बैंक एंड द कस्टमर इज बेलर, जो कस्टमर है वो बेलर है, मीन्स हम जो अपना सामान रखते हैं हम बेलर हैं, एंड द बैंक इज बेली, बैंक क्या है बेली। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेलमेंट, बेलमेंट प्रोसेस आ सकता है, कई उसमें ऑप्शंस आ गया कि जेल से रिलेटेड, तो बच्चे सोचेंगे कि वो बेल वही वाली बेल हो गई, नहीं, ये कंसेप्ट किसी किसी को पता होता है, अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस पूरे करेंगे तब आपको पता चला ये। तो बेलर एंड बेली का प्रोसेस ये हो गया। ठीक है, उनके प्रोसेस को मीन्स बेलर और बेली के जो बीच का चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से, उसको बेलमेंट बोलते हैं। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांसफर है ऑफ पोजीशन ऑफ एसेट बट नॉट द ओनरशिप, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है बट नॉट द ओनरशिप। एंड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी अगर हम दें, आई एम गिविंग माय शेयर सर्टिफिकेट टू द बैंक, देन आई एम द बेलर, मैं अपने शेयर सर्टिफिकेट दे रही हूँ बैंक को, आई एम द बेलर एंड द बैंक इज बेली, बैंक बेली है। इन बेलर बेली रिलेशनशिप
only the possession of asset will be transferred with some specific objective. सिर्फ अपना हम जो object है वही दे रहे हैं, हम ownership नहीं दे रहे हैं, ये समझ आ गया होगा. When I am using safe deposit locker, that means for ensuring safety of my documents or gold, हम उसके लिए use कर रहे हैं. I am keeping my properties within the safe deposit locker of the bank. मैं अपनी properties safe deposit locker में रख रही हूँ bank के. That means I am giving the possession of the property to the bank, not the ownership. समझ आ गया. They cannot use the property, basic thing. समझ आ गया. I hope you are clear with this. Next I am taking is types of collateral securities. Collateral securities के बारे में मैंने बोला था कि collateral securities के बारे में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी. Collateral securities का क्या है? If bank is giving the loan, bank loan दे रहा है without any collateral security दे रहा है, तो वो unsecured loan होगा और signature loan बोल सकते हैं उसको. Normally banks जो है वो unsecured loans नहीं देते. बैंक कुछ विल टेक समथिंग एज कोलेटरल सिक्योरिटी. तो कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होगी? फिक्स प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ और एसेट हो सकता है जो कि ऑफर किया जा रहा है बाय द बोरोवर टू द लेंडर मीन्स बैंक, वो होगी कोलेटरल सिक्योरिटी. ठीक है. वेर इज कोलेटरल सिक्योरिटी? इंटरेस्ट रेट विल बी लेस. जब कोलेटरल सिक्योरिटी होगी तो इंटरेस्ट रेट भी लेस होगा क्योंकि रिस्क कम होगा. इन लोन्स हाउस लोन हो गए, मोर्टगेज लोन्स हो गए, गुड सिक्योरिटी होती है उसमें, तो वो लेस इंटरेस्ट रेट होता है इसलिए उनका. बट अनसिक्योर्ड लोन्स जो उनसे हैं, जैसे कि पर्सनल लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड एडवांसेस हो गए, उनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती उसमें. ये कोलेटरल जो है वो ऑफर किए जा सकते हैं तीन वेज में. उनके टाइप्स क्या क्या हैं? प्लेज, मोर्टगेज, हाइपोथिकेशन. प्लेज का मतलब है यू आर गोइंग टू द बैंक टेकिंग गोल्ड लोन बाय कीपिंग योर शेयर सर्टिफिकेट्स और ऑर्नामेंट्स विद द बैंक. आप बैंक जा रहे हैं, गोल्ड लोन ले रहे हैं, अपना शेयर सर्टिफिकेट या ऑर्नामेंट्स आपने बैंक के साथ रख दिए. बाय प्लेजिंग योर प्रॉपर्टी विद द बैंक अथॉरिटीज, आपने प्लेज कर दी अपनी प्रॉपर्टी विद द बैंक अथॉरिटीज, यू आर टेकिंग लोन, उस पर आप लोन ले रहे हैं. इफ यू फेल टू रीपे, अगर आप फेल हो जाते हैं रीपे करना, बैंक विल सेल दैट गोल्ड एंड दे विल गेट द मनी बाय सेलिंग इट. सिंपल, ये आपको पता भी होगा. ठीक है, ये प्लेज के अंडर आता है. नेक्स्ट इज मोर्टगेज. इसमें क्या दिया जाता है? लैंड और बिल्डिंग, मे बी हाउस प्लॉट और बिल्डिंग कैन बी ऑफर्ड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी. उसको हम मोर्टगेज लोन की तरह यूज कर सकते हैं. अपनी प्रॉपर्टी देकर हमें मोर्टगेज लोन मिल जाएगा. यू आर गिविंग लैंड और प्रॉपर्टीज अटैच विद लैंड दैट हैज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर गेटिंग लोन. हमें लोन मिल रहा है उसके प्रॉपर्टी देके. इफ यू ऑफर प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी, इट विल बिकम encumbered property. उसको हम encumbered property बोलेंगे. अगर हम अपनी property दे रहे हैं जैसे सिक्योरिटी, वो होगी encumbered security, cumbered. ठीक है, अगर हम offer कर रहे हैं, अगर हम property को offer नहीं कर रहे तो वो होगी unencumbered property. Clear? You have taken loan by giving this property as collateral security. अगर आप fail हो जाते हैं, if you fail to pay back, then only bank will have that right. Is known as lien over the property. ठीक है, क्या है कि अगर आप पे नहीं करते तो वो उसको एक तरह से क्या कहते हैं उसको, नीलामी वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, वो नीलामी करा के उसको बेच देंगे और उसको पैसा मिल जाएगा बैंक को. बेसिक थिंग ये है इसकी. नेक्स्ट इज हाइपोथिकेशन. This is the last topic. Hypothecation में क्या है? आप कुछ goods produce कर रहे हैं. You have brought several raw material. वही अभी मैंने last example भी बताया था, ये raw material वाला candles का. उसमें आप कुछ raw material लाए हैं. And by keeping raw material as security, अगर आपने raw material को security की तरह रख दिया, you are taking loan, उस पर loan ले रहे हैं. ये hypothecation है. क्यों है hypothecation? Because if you want to construct a rice mill, मान लो आपको राइस मिल ओपन कंस्ट्रक्ट करनी है, यू वांट टू हाइपोथिकेट द मशीनरी ऑफ राइस मिल टू द बैंक. आपने जो मशीनरी है वो उसको रॉ मटेरियल एक तरह से उसका वो आपने उसको हाइपोथिकेट कर दिया बैंक के साथ. वीक हाइपोथिकेशन का केस हो गया. अगर आप बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हाइपोथिकेशन इज हैविंग मोर रिस्क. क्यों? बिकॉज द बोरोवर, जैसे कि आप ले रहे हैं अगर वो लोन, कैन डू सम मिसचीफ विद मशीनरी, कुछ खराब कर देगा एंड बैंक मे नॉट बी एबल टू गेट बैक द मनी. मनी नहीं मिलेगी उसको इफ द बोरोवर फेल टू पे बैक टू द बैंक. आपने कुछ गड़बड़ दी मशीन के साथ और फिर बैंक को दे दी, क्योंकि वो पहले तो आपके पास थी. जब आपका उस आप लोन रीपे नहीं कर पाए तभी तो बैंक उठा के ले जाएगा, उससे पहले आपने कुछ गड़बड़ कर दी उसमें. तो ये चीज़ें उसमें रिस्क रहता है बैंक के पास. तो बेस्ट सिक्योरिटी कौन सी हुई? प्लेज. और रिस्की वन कौन सी हुई? हाइपोथिकेशन.
So this is the end of the video. I hope you are clear with the topics. And if you like the video, please hit the like button and please subscribe the channel if you want me to make more videos of it. I'll surely complete whole general awareness section for IBPS PO mains, because I'm completing all the banking awareness as soon as I can. By 7th or by 8th, I'll complete banking awareness, then I will go further with general awareness means current affairs section, and with questions also that are mostly asked in questions banking examinations and jo abhi IBPS RRB mains mein bhi puche gaye hain aur jo important ones honge main abhi leke aaungi aapke liye. So thank you for watching the video.